एफसी कॉलेज के बाहर जैसे आपने देखा लड़कियां जो हैं वो छात्राएं जो हैं वो हंगामा कर रही हैं। उनका कहना है कि उनके एडमिशन नहीं हुए। कुछ लड़कियां ऐसे भी मिली जिनका कहना था कि हमारे 90% नंबर है फिर भी हमें एडमिशन नहीं मिला। कुछ कह रहे थे कि 85% हैं उनका भी एडमिशन नहीं मिला। कुछ कह रही थी 90+ हैं उनका भी एडमिशन उन्हें नहीं मिला। तो इस बारे में अब जो है जानते हैं पूरा। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि एफसी कॉलेज के अंदर लगभग जो है 3,500 आवेदन किए गए, यानी 3,500 जो है आवेदन किए गए और 1,100 के लगभग यहाँ पर सीटें हैं। अब सरकार ने तो जो है जल्दी से आनन फानन में जो है कोविड के दौरान सभी बच्चों को पास कर दिया, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि उन्हें एडमिशन कहाँ देंगे, किस तरह की व्यवस्था करेंगे। अब जो है बार बार एक ही मांग उठाई जा रही है कि जो इन सीटें हैं बच्चों की वो बढ़ाई जाएं ताकि कॉलेजों में सीटें बढ़ने से सभी बच्चों को एडमिशन मिल सके। इस बारे में अब जो है बातचीत करने के लिए एफसी कॉलेज में हम जो है यहाँ की प्राचार्य महोदया हैं डॉक्टर अनीता सहरावत, उनसे बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम अभी जो है बाहर कुछ हंगामा चल रहा था, कुछ छात्राएं आ रही थी जिनका कहना है कि 90% तक हमारे नंबर हैं लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो इस विषय के ऊपर क्या कहना है? जो एडमिशन प्रक्रिया आपकी चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? सर हमारा तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म ही चलेगा सारा, ठीक है। फिजिकल काउंसलिंग चल रही है आजकल कॉलेजेस में जी। तो इन्हें आके साइन करना होता है फिजिकली, और जैसे भी मेरिट बनती है जी। मेरिट जो होगी उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरिट प्लस सीट्स वेकेंट जितनी हमारे पास बच गई कैटेगरी वाइज। तो अभी मेरिट कितने उस पर है? अगर SC BC की मैं बात करूं या OBC की बात करूं तो सर अलग अलग है। हमारे पास 6-7 कैटेगरी होती हैं। मेरिट जो हमारी है वो आपकी AIOC की है 93.6 लोएस्ट गई है सर। ये किसमें? जर्नल में नहीं? हाँ ये जर्नल में ही है कैटेगरी आपकी। और एक हरियाणा उससे है वो है 91.6 लोएस्ट गई है सर। अच्छा हरियाणा HOGC कैटेगरी होती है, ठीक है, उसमें 91.6 लोएस्ट गई है सर। उसके बाद जो स्टूडेंट्स रह गए हैं क्योंकि सीट्स तो हमने देखनी पड़ेंगी ना सर। SC और BC में क्या कुछ सीटें हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। SC और BC में तो अलग अलग हैं हमारे पास, ठीक है। BC में भी दो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, A और B। आज जो गई है BCA में वो गई है सर 70% और BC B में जो गई है 87.4%। हाँ जी मैम। पहले जो है पहले की बात करें तो पिछले सालों में जो है किस तरह की वहाँ पर मतलब लिस्ट में कहाँ तक लिस्ट जाती थी और अब जो है कितना फ़र्क आया है? सर पहले भी बहुत हाई ही जाती थी, इतनी लो नहीं जाती थी। और इस बार थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि एक एक परसेंटेज पे बहुत बच्चे हैं। इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं मैम? आवेदन आपके पास 3,500 के आसपास आए हैं 1,100 सर, वो तो बच्चे अलग अलग जगह भरते हैं। देखो एक तो FC कॉलेज भर के तो नहीं रह जाएंगे। मान लो उनको ये लगता है कि 5 ऑप्शन भर देते हैं जो बेटर लगेगा वो बच्चा ले लेगा जी। तो उसमें ये नहीं हम कह सकते कि सारे स्टूडेंट्स यहीं के हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ उन्हें एडमिशन मिलता है या जहाँ जहाँ वो प्रायोरिटी देते हैं वहाँ। देखा जाता है दो कॉलेजों में ज़्यादा भरा जाता है कि दो कॉलेज में किसी एक में एडमिशन मिल जाए, तो ऐसी कैटेगरी में यहाँ पर जो बच्चे हैं, और दूसरा कि जो गांव से बच्चे आते हैं उनको शायद 5% एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं कि वो यहाँ। कुछ नहीं है सर, वो तो जो रूल कहता है जो नॉर्म्स कहते हैं, हाँ नॉर्म्स के हिसाब से होएगा सर जो भी होगा, चाहे वो कोई कॉलेज हो कहीं पे हो, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो सर। रूल को नहीं तोड़ा जाएगा किसी हिसाब से, उसी बेस पे परसेंटेज बनती है जी। तो अब तक कितने एडमिशन हो चुके हैं लगभग की मैं बात करूँ कि आगे और एडमिशन अभी होने वाले हैं यहाँ पर या क्या? सर अभी हमने रिक्वेस्ट की है थोड़ा कि अगर हमें 10% सीट्स मिल जाती हैं, और जीजेई बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ, मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएंगे, हमसे ज़्यादा केयर करती है वो बच्चों की, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके हमारे यहाँ एडमिशन जी। लो आपने अभी और सीटों के बढ़ाने की मांग की है ताकि सभी छात्राएं जो है यहाँ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं यहाँ एडमिशन ले सके, तो उसके लिए शायद 10% अगर हो सकता है वो आने वाले समय। जितना हम चाहेंगे 10% है जो भी नॉर्म्स है उसके मुताबिक हम चलेंगे, और मैक्सिमम लड़कियों को हम चाहेंगे कि एडमिशन मिले जी। अगर जो रह जाती हैं क्या उनके लिए कोई और ऑप्शन बचता है कुछ आपके अगर ध्यान में आता है तो क्या उनके लिए क्या? सर इसमें तो अभी मैं थोड़ा कुछ नहीं कह पाऊंगी, वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ एडमिशन चाहता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेना चाहता है, वो बच्चा बेटर अपने कैरियर के बारे में बता सकता है या पेरेंट्स जी। तो अभी आसपास के कोई और कॉलेजेस भी हैं जिनमें एडमिशन बच्चा ले सकता है उनके अलावा FC के अलावा? सर काफ़ी कॉलेजेस हैं, वो तो अब बच्चे ने डिसाइड करना है। मैं बात करूं कई गांव में बताया जा रहा है कि वहां पर एडमिशन बच्चा। सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो अपना एरिया के बारे में ही बता सकती हूँ, पर मैं जहाँ चाहूँगी कि बच्चा जहाँ भी जाए मेहनत से काम करे और एडमिशन ले। आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे? हाँ जी सर, हाँ जी सर बिल्कुल।
तो मैम जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? सर उनको तो मैंने यही कहा है कि मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, होपफुली अगर हो जाता है कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा उनका, पर परसेंटेज को हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, थोड़ा परसेंटेज बेस पे हमारे नॉर्म्स को देखते हुए हमें चलना पड़े। अभी अगली काउंसलिंग कब है? आज जो काउंसलिंग है उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी क्या होगी? सर आज इवनिंग तक पता लगेगा हमें कि हमारी कितनी सीट्स बच जाती हैं, कितना क्या है, उसके बेस पे डिसाइड करेंगे जिसको हम अपनी साइट पे डालते हैं। और बच्चों को कहा हुआ है कि वो कांटेक्ट में रहें। तो अभी काउंसलिंग में जो सीटें बच जाएंगी उनको अगली काउंसलिंग में लिया जाएगा? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम ने जानकारी दी कि उनका प्रयास है कि जितने भी हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों का जो एडमिशन हो सके, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो बच्चे हैं वो सभी को लगभग सरकार ने पास कर दिया है, और कोविड के दौरान अब परसेंटेज भी अच्छी आई है, इस बार नंबर भी अच्छे आए हैं, लेकिन जो है सीटें जो है पहले से सीमित चली आ रही हैं। अब जो है एक आवेदन आगे किया गया है जीजी यूनिवर्सिटी को कि वो सीटें बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को, उन बच्चों को असर मिल सकता है जो कुछ एक पॉइंटों पर रह गए थे, उनको फ़ायदा इसमें मिल सकता है। और साथ के साथ उन और बच्चों से ये भी कहना चाहेंगे कि आसपास के कॉलेजेस में हैं जहाँ पर उनका एडमिशन हो सके, तो वहाँ भी उनको ट्राई करना चाहिए कि वहाँ भी अपना जो है दाखिला करवा सके, ताकि उनकी साल जो है ख़राब ना हो। और सरकार से, प्रशासन से जो है एक मांग रहेगी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ाई जाएँ। अक्सर हर साल 10% सीटें बढ़ती हैं, लेकिन इस साल अगर कोविड के दौरान बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं तो अगर 20% भी अगर सीटें बढ़ाई जाएँ तो भी काफ़ी राहत बच्चों को मिल सकती है। तो आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।